मिनी शीर्षक है और आपको सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी माँ आपको हर एक चीज में सक्सेस मिले, यही मैं देवी से प्रार्थना कर देवी माँ से प्रार्थना करता हूँ। और आज मैं आया हूँ लोकल फॉर वोकल एक सीरीज लेके, और मेरा फर्स्ट जो कि है फर्स्ट ब्लॉग जो अब शूट करा हूँ वो है राजकमल स्वीट्स पे। और राजकमल स्वीट्स कहाँ पे है? राजकमल स्वीट्स दत्त मंदिर पे है, और आगे के डिस्क्रिप्शन सब उनके जुबान से सुनेंगे और उनका थोड़ा शॉप का एक्सप्लोरेशन जो मैंने किया है वो भी आपको बताएगी। तो सबसे पहले राजकमल के दो कर्ता धरता है जो कि ये बहुत बड़े दिल वाले हैं और बड़ी अदबो आदाब से हर चीज खिलाते हैं। तो उनका सबसे पहले इनका नाम है नरपत सिंह जी और दूसरे है गणपत सिंह जी। तो आइए चलते हैं, उनके खुद जुबान से सुनते हैं क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीजें मिलते हैं। तो चलो लेट्स गो। नमस्ते। नमस्ते। राम राम जी, आपका नाम बताइए। नरपत सिंह राठौर, जिला पाली राजस्थान। और ये थोड़ा एड्रेस बताइए हमारे जो व्यूअर्स से, उनको अगर कहीं ये लाइन में उनको शॉपिंग करना होगा, मतलब कुछ स्वीट्स लेना होगा और या फिर नमकीन लेना होगा, तो आपका एक बार शॉप का एड्रेस बता दीजिए। अपना शॉप का एड्रेस है राजकमल स्वीट। हाँ, शॉप नंबर 1 आनंद भक्ति संकुल दत्त मंदिर नासिक रोड नासिक। और आपका मोबाइल नंबर 8007442569। ओके, तो थोड़ा हमको जानकारी दीजिए आपके शॉप में, शॉप में क्या क्या अवेलेबल है, स्वीट्स कौन से शॉप में स्वीट अवेलेबल है? स्पेशल स्वीट रहता है, ताजा रहता है, दूध का फ्रेश बनाते हैं, ताजा बनाते हैं डेली। मले बर्फी है, मिल्क केक है, अंजीर, मैंगो, ड्राई फ्रूट, गुलाब जामुन, काजू कतली, गुलकंद की मिठाई, बालूशाही, दही बड़े, सोन पापड़ी, करीबन आइटम कॉल मिल जाता है हमारे पास। तकरीबन सारे आइटम अपने को मिल जाते हैं, रेडी रहता है। ओके, तो अब मुझे एक एक करके बताइए कौन सा स्वीट है, कौन सा स्वीट है? ये अपना गुलकंद मिठाई है, काजू कतली है जी, गुलाब जामुन है, हाँ, सोन पापड़ी है जी, मैसूर पाक है, आगे चलते मले बर्फी है जी, मैंगो बर्फी है, अंजीर बर्फी है, मिल्क केक है, हाँ, वेनिला बर्फी, चॉकलेट बर्फी, पिस्ता बर्फी, और स्पेशल है ये गाय के पक्के पेड़े। ओके, और पिडिंग लड्डू है, स्पेशल देसी प्योर घी के बेसन लड्डू है, बालूशाही, दही बड़े, मोतीचूर लड्डू, स्पेशल उपवास का जलेबी है। अच्छा, अपने पास उपवास का भी मिलता है? उपवास का मिलता है, मतलब मान लीजिए अगर नवरात्रि हो, लेडीज लोग ज्यादा करे फास्ट पकड़ दिए तो उसके ऊपर उपवास का ही मिलता है अपने पास। 9 दिन अवेलेबल मिलेगा। और स्वीट्स में आपके अपने पास मिलेगा पनीर जलेबी। पनीर जलेबी थोड़ा आप रेट बताइए कैसा है, क्या रेट है? पनीर जलेबी आपको मिलेगा 100 रुपए पाउंड जी। और साबूदाना बड़ा रहता है, हाँ, फ्रेश बनता है, 20 रुपए का एक पीस। ओके, ठीक है। ओके, तो फिर मुझे एक बात बताइए नरपत जी, बोलिए। मान लीजिए मैंने एक कलाकंद ले लिया, मतलब मले बर्फी ले लिया, और लोग कैसे रहता है कि मिल्क प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाते, सही है? मतलब 2 दिन 3 दिन एकदम लोगों को मालूम नहीं रहता है कि कितने दिन कंज्यूम किया जाए। वो कैसा रहता है? हाँ, कैसा रहता है कि दूध की क्वालिटी पे डिपेंड पड़ता है। बराबर, अच्छी क्वालिटी रही ना तो 5 दिन कुछ नहीं होता मले बर्फी को। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, ऐसे। ओके, मतलब तकरीबन अगर मान लीजिए आज मैंने मले बर्फी ले लिया, 4-5 दिन तो 4 बजे आराम से चल जाता है, आराम से रहता है, फ्रेश मले भी, ताजा दूध का रहता है। नाश्ता वगैरह में रेडी रहता है, समोसा है, वड़ा पाव है, पावड़े, जलेबी, कचौरी, अमन ढोबला, अच्छा, ये भी रेडी रहता है। ओके, ठीक है। हाँ, उसके बाद में बेकरी प्रोडक्शन देकर जाएंगे, बेकरी के आइटम में वो खाने वगैरह टोस्ट वगैरह सब रहता है। अच्छा, नान कटिंग वगैरह सब वही सब रेडी रहता है। ओके, दूसरा आप कैडबरी में जाएंगे तो कैडबरी अवेलेबल सब रहता है हमारे पास, टोटल नेस्ले का बोलो, कैडबरी का बोलो, ऑल आइटम का बोलो। ओके, सब टोटल ऑल रहता है हमारे पास। मतलब दिवाली में मान लीजिए भाई दूज के लिए कोई सब अवेलेबल, सेलिब्रेशन सब मिलता है, सब मिलता है ऑल। अच्छा, इधर चलते भी हल्दीराम नमकीन वगैरह ऑल आइटम ऑल ओवर नमकीन सब मिलेगा। अच्छा, नमकीन में ये सब कुछ सब मिलेगा आपको टोटल। हाँ, ठीक है। हाँ, और कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल में रेडी रहता है हमारे पास कभी भी। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक भी अवेलेबल रेडी रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक बोलो, लस्सी बोलो, सब बोलो, जूस बोलो, कोई भी सब रेडी रहते हैं एनी टाइम। ओके, ठीक है। और बर्थडे केक चाहिए तो बर्थडे केक भी रहता है एनी टाइम हमारे पास रेडी, ठीक है ना। बर्थडे केक भी रहते हैं रेडी एकदम कभी भी आप, ठीक है ना। हाँ, आइसक्रीम बोलो तो आइसक्रीम भी रहता है कभी भी एनी टाइम का हमारे पास, आइसक्रीम कभी भी रहता है एनी टाइम, वैरायटी ऑफ आइसक्रीम, ऑल वैरायटी, अमूल बोलो, क्वालिटी बॉल्स बोलो, राजमाता जी बोलो, दिन चॉइस बोलो, सब रेडी रहता है हमारे पास, मतलब ऑल इन वन ब्रांड आपके पास हमारे पास रहती है। और नमकीन बोलेंगे तो नमकीन लेवल में हमारे पास सब रेडी रहता है, नमकीन पीला से वो सब 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 कम से कम 24 प्रकार का नमकीन है। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, और इधर देखेंगे बिस्किट में बोलो तो सब मसाले बिस्किट एल में रेडी रहते हैं हमारे पास, बिटानिया बोलो, पार्ले बोलो, सनफिश बोलो,
एवरेस्ट के मसाले बोलो सब रेडी रहते हैं, सब रेडी, पिकल वगैरह बोलो सब रेडी रहते हैं, पास्ता okay. मसाले वगैरह सब रेडी रहते हैं, ओके ठीक है ना। हाँ जी, मतलब आपने तो ऑल इन वन ही शॉप खोल दिया पूरा, मतलब लोग बोलते हैं कि स्वीट्स की दुकान में इतने सारे चीजें मिलते हैं, पर आपने पास सब 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 मिल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और पनीर का आप कैसा भाव है, क्या रहता है पनीर? तो अपना 120 रुपए पाव है। अच्छा, और पनीर रहता प्योर फ्रेश एकदम, हर दिन नया बनता है, हर दिन प्योर फ्रेश है, प्योर दूध का। और मले बर्फी का क्या रेट है? मले अपना 560 रुपए किलो रहता है, 560 रुपए। और काजू कतली? काजू कतली 1200 रुपए किलो रहता है। और मान लीजिए वो फेस्टिवल सीजन में बॉक्स आता है, मिक्स मिठाई का ना, मिक्स मिठाई का 140 रुपए पाव रहता है। अच्छा, 180 रुपए पाव रहता है। हाँ, और अपना 250 रुपए पाव, मतलब अलग अलग पैकिंग आते हैं बॉक्स के हिसाब से, जैसे रेंज के हिसाब से। अच्छा अच्छा, काजू आइटम लिया तो वो 300 रुपए पाव रहता है। और अभी तक स्टार्ट नहीं हो, मतलब दिवाली कितने का? दिवाली के 5 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है, 5 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है। और अपने डिस्प्ले पे रहता है सब कुछ, अच्छा फार हो गया सब रहता है, टोटल ऑल आइटम। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। और अभी थोड़ा आपको किचन बताइए, आप मुझे आपका किचन बताइए, मतलब कैसा, क्योंकि वो भी जरूरी है हाइजीन। नहीं बरोबर जी, क्या बना रहे? केसर अभी लाइव बन रहा, केसर पेड़ा अभी थोड़ा आपके इनके वाइट पेड़ा बना इधर। अच्छा, अभी निकाला माल, ये बेस है, ये फ्रेश एकदम एकदम फ्रेश। अरे वो बढ़िया, ठीक है जी। उसके बाद में अभी ये ना, ये भी केसर पेड़ा निकाल रहे हैं, केसर पेड़ा निकाल। हाँ, थोड़ा इनके बारे में परिचय दीजिए, ये कब से? ये हमारे कारीगर है बलवंत सिंह, राजस्थान के रहने वाले हैं जी, और करीबन उनको 20 साल एक्सपीरियंस है मिठाई का। बाप, तो मेरे पास कम से कम 5 साल से उनको रह रहे इधर ही। हाँ हाँ, सारी चीजें बनाते हैं, सारी चीजें करीब करीब सारी चीजें बनाते हैं जी। बलवंत जी, मिठाई स्नैक्स, हाँ, बंगाली करीब करीब सब बनाते हो आइटम, ड्राई फ्रूट का बोलो। अच्छा, ऐसे टोटल ऐसे, ओके। अभी क्या बना रहे बलवंत जी? केसर पेड़ा। केसर पेड़ा, और कितना देर घोलना पड़ता है इसको? 20 मिनट तकरीबन। ओके, और फिर बाद में उसको बन के वो पेस्ट बन जाता है, पेस्ट बन जाता है। और फिर दोपहर को शाम को फिर वो बनाते हैं, केसर बनता है। अच्छा, और आप कहाँ से हो? राजस्थान से। राजस्थान से, ठीक है ठीक है। तो दोस्त, तो ये देख लीजिए, प्रॉपरली पूरा हाइजीन मेंटेन करके रखा है, यहाँ पे हर चीज फ्रेश बनती है। और अभी ये क्या, आपका नाम बताइए? मेरा नाम शैलेंद्र है। हाँ जी, कहाँ से आप? मैं यूपी औरैया से हूँ। अच्छा, और स्वीट्स के एंड कब से एक्सपीरियंस आपके पास? कम से कम 10 साल का। 10 साल का, बढ़िया। और ये क्या बनाया अभी आपने? मलाई बर्फी बनाई है। मलाई बर्फी बनाई, फ्रेश ताजा? हाँ ताजा। क्या, चलो आपके मिलने से अच्छा लगा, आपसे मिल के अच्छा लगा। तो ये थे नरपत जी की शॉर्ट स्टोरी जो कि मैंने आज शूट किया है। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा, कहीं आपको किटी पार्टी के लिए कुछ ऑर्डर करना हो, वड़ा पाव बोलिए, समोसा बोलिए, या फिर ढोकला बोलिए, ये आपको अवेलेबल करवा देंगे ऑन ऑर्डर, ऑन फोन कॉल पे। तो उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और जरूर एक बार आप कहीं ऑनलाइन से आप ऑर्डर करते हैं, या फिर कहीं एक बार ये शॉप को विजिट दीजिए, वोकल फॉर लोकल हेल्प कीजिए उनकी, जो नॉर्मल स्वीट्स के वेंडर्स से उनको हेल्प कीजिए, और आगे बढ़ते रहिए। तो दिस इज मी साइनिंग आउट, विनेश शिरसाट, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, लगे रहो।